नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाव ब्रेकफास्ट, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुधवार की सुबह हर रोज की ही तरह विदेशी बाजार के संकेत से हम शुरुआत करेंगे और आज विदेशी बाजार के संकेत कमजोरी की तरफ ज्यादा इशारा करते हुए। जी हाँ, एक दिन की छुट्टी के बाद अमेरिकी बाजार जब खुले, उतार चढ़ाव वहां पर भी देखने को मिला। मिला जुला कारोबार दिन भर रहा। डाउ में करीब 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली, तो वहीं नैसडैक ने नई ऊंचाई के लेवल जरूर छुए। लेकिन साथ ही अगर आज एशियाई बाजार की शुरुआत देखें, 15,775 के स्तर पर 66 अंकों की बिकवाली एसडीएक्स निफ्टी की तरफ से। डाउ फ्यूचर्स भी लाल निशान के साथ ट्रेड, यहां पर 30 अंकों की गिरावट। वहीं निक्केई में करीब 300 अंकों की बिकवाली और हांगकांग के बाजार भी करीब 370 अंक टूटते हुए दिख रहे हैं। तो क्लियरली विदेशी बाजार की तरफ कमजोरी के संकेत फिलहाल दिख रहे हैं। क्यों है ये कमजोरी और आज के लिए कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जो कि ग्लोबल मार्केट्स में हमें ध्यान में रखने हैं, विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं विदेशी बाजार आज कमजोरी हावी होती हुई दिख रही है। गुड मॉर्निंग मानसी, और डेफिनेटली जिस तरह से यूएस का एक्शन हुआ है उसका आप इम्पैक्ट ग्लोबल बाजारों पर इस समय आते हुए देख रहे हैं। एक दिन की छुट्टी के बाद यूएस के बाजार ट्रेड कर रहे थे, इसलिए वहां पर हमने कल सुस्ती देखी। फिलहाल इतनी भारी गिरावट नहीं है एसजीएक्स निफ्टी में, 60 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स थोड़ी सुस्ती दिखा रहे हैं, बट जरूर जापान के बाजारों में आपको प्रेशर बनते हुए दिख रहा है और हांगकांग की भी इस समय कमजोर शुरुआत हुई है। कल शाम एक्चुअली उतार चढ़ाव के बीच यूएस में हमने मिला जुला कारोबार होते हुए देखा। वहां पर एक तरफ तो आपने देखा कि डाउ 210 अंक फिसला और S&P ने भी जहां पर पिछले 7 दिनों से हर रोज नए रिकॉर्ड लग रहा था उस प्रक्रिया पर ब्रेक लगते हुए दिखा। पर आखिरी घंटे में अच्छी रिकवरी भी बाजारों में आती हुई दिखी। निचले स्तरों से डाउ लगभग 220 अंक सुधर कर बंद हुआ, S&P 500 भी निचले स्तरों से सुधरा और नैसडैक तो सुधर कर पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते हुए दिखा। बल्कि इंट्राडे में तो नैसडैक पर फिर एक बार नया रिकॉर्ड भी बनते हुए दिखा। दिग्गज IT शेयर से बाजार को थोड़ा सहारा मिला है, पर उसके सामने हमने देखा कि एनर्जी और इकोनॉमी के स्टॉक्स पर काफी दबाव बना हुआ था, जिसकी वजह से डाउ पर आपने कमजोरी आती हुई देखी है। जून का सर्विसेज PMI डेटा अनुमान से काफी कमजोर आया, 60.1 का आया, अनुमान 63 से ज्यादा का था। और क्योंकि 80% ऑफ US इकोनॉमी सर्विसेज बेस्ड बिजनेसेस से आती है, इसलिए एक थोड़ी चिंता थी कि थोड़ा अनुमान से कमजोर सर्विसेज डेटा आते हुए दिखा। वहीं थोड़ी और चिंता की वजह से हमने देखा कि जो उनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो वापस फरवरी के निचले स्तर पर पहुंचती हुई दिखी है, 5 महीने के निचले स्तर पर इस समय 1.35% पर आती हुई दिख रही है, अपने ईयर लो से ज्यादा दूर नहीं है। तो उसकी वजह से भी हमने देखा कि हालांकि आईटी शेयर्स को सहारा मिला पर इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर दबाव आते हुए दिखा है। आज जो फेड की बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे, तो नजर रखनी पड़ेगी कि किस तरह से फेड का सोच विचार चल रहा है स्टिमुलस को लेकर, दरें बढ़ाने को लेकर और साथ ही इकोनॉमी की स्थिति को लेकर भी। इसके अलावा यूरोप में आप देखें तो वहां पर भी 1% तक की गिरावट कल थी। सोने में अभी भी आप थोड़ा स्टेबल एक्शन देख रहे हैं, $1,800 के करीब ही ट्रेड होते हुए दिख रहा है। वहीं डॉलर इंडेक्स दायरे में है, पर सबसे ज्यादा एक्शन कल कच्चे तेल में होते हुए दिखा है। क्योंकि यूएस के बाजार बंद थे इसलिए हमने इतनी एक्टिविटी कल के डे ट्रेडिंग सेशन में नहीं देखी, बट कल शाम यूएस बाजार खुलने के बाद काफी बड़ा उछाल पहले आया कच्चे तेल में, जहां पर WTI के जो फ्यूचर्स हैं उन्होंने $77 का स्तर छुआ, जो कि नवंबर 2014 के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल है, यानी कि करीब करीब 7 साल की ऊंचाई पर आपने जाते हुए देखा इस लेवल को। और वो लेवल छूने के बाद काफी तेज गिरावट भी आती हुई दिखी और वापस $74 के करीब WTI आते हुए दिखा और फिलहाल $75 के आसपास ब्रेंट भी ट्रेड करते हुए देख रहा है। तो काफी तेज उतार चढ़ाव हुआ है कच्चे तेल में कल, जो ओपेक का फैसला है अभी तक कोई भी वहां पर डिसीजन नहीं हुआ है आउटपुट को लेकर। वहां से एक तो रिलीफ आया पर साथ ही कुछ चिंता भी आती हुई दिख रही है कि क्या आगे जाकर सारे मेंबर्स एक ही तरह एक्शन करेंगे या नहीं। तो वहां पर आपने भारी उतार चढ़ाव कल देखा है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें विस्तार से बताने के लिए। तो क्लियरली विदेशी बाजार से थोड़ी कमजोरी जरूर देखने को मिल रही, लेकिन साथ ही कच्चे तेल की चाल पर जरूर नजर रखेगा क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं 3.5% की गिरावट के साथ $75 के करीब ट्रेड देखने को मिल चुका है। भारी उतार चढ़ाव यहां पर भी फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है अब ये देख लेते हैं। कल कैश मार्केट में FIIs की तरफ से बिकवाली रही 543 करोड़ की, लेकिन वायदा बाजार में FIIs ने 3274 करोड़ की खरीदारी की है और साथ ही कैश मार्केट में 521 करोड़ की खरीदारी DIIs की तरफ से। तो क्लियरली DIIs कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, FIIs वायदा बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। सिर्फ 543 करोड़ के बिकवाली के आंकड़े FIIs के
कैश मार्केट में है जिस पर हमें नजर रखनी है। ये तमाम संकेत समझते हुए भारतीय बाजार पर पहली रणनीति आप आज क्या बनाएंगे, चलिए आप वो जान लेते हैं। और हमारे साथ ये बताने के लिए जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल सर गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार में सुस्ती के संकेत है जरूर, लेकिन ऑफकोर्स उतार चढ़ाव भरा सेशन कल अमेरिकी बाजार में भी दिखा, आज एशियाई बाजार की शुरुआत सुस्ती के साथ हो रही है सर, और एफआईएस के वायदा बाजार में खरीदारी के आंकड़े आज के लिए सर भारतीय बाजार कैसे दिखेंगे और पहली रणनीति क्या बनाई जाए? देखिए जहां तक बाजारों का सवाल है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव हमारे यहाँ भी और ग्लोबल मार्केट दोनों में बढ़ता हुआ दिखा है। 7 दिनों तक लगातार रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद एसएनपी में थोड़ी कमजोरी दिखी है। दाव भी आप देखेंगे वैसे तो दिन आपको 200 पॉइंट नीचे नजर आ रहा है, लेकिन दिन की ऊंचाइयों से काफी तेजी से फिसला भी, वापस रिकवर भी हुआ, तो दोनों तरफ के ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा 3 दिनों की छुट्टी के बाद जो गिरा है वो थोड़ा झटका लगने वाली बात तो है। तो पॉइंट सिंपल यही है कि हमारे बाजारों में भी और ग्लोबल मार्केट में भी दोनों ही जगह थोड़ी वोलेटाइल ट्रेड्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और वैसे भी हम 16,000 के अहम लेवल के आसपास है तो वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, लेकिन अभी भी रेंज में है बाजार और रेंज के निचले स्तरों पर आपको फिर से खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए। तो ऐसी कोई खास चिंता वाली बात नहीं है जिससे कि आप डरे कि कोई बाजार बहुत खराब हो जाने वाला है, तो वैसा कोई एक नहीं नजर आ रहा है। आपको निचले स्तरों पर आज बहुत गैप से खुले या उसके खुलने के बाद नीचे की तरफ आए तो खरीदारी करने का मौका देखना चाहिए। 15,675-15,750 बाजार के लिए सपोर्ट जोन होगा जो शायद आसानी से बाजार तोड़ेगा नहीं, और ऊपरी स्तरों पर 15,850-15,925 ये रेंज है जहाँ पर बाजार को रुकावट आती हुई नजर आएगी। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, कल 35,500 के ऊपर एक बढ़िया क्लोजिंग होती हुई नजर आई, तो ब्रेकआउट के संकेत तो बैंक निफ्टी दे रहा है। अगर आज का दिन हम बचा गए तो फिर बैंक निफ्टी में भी आपको ऊपरी स्तरों पर एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। तो 34,900-35,200 ये आपके लिए वो रेंज है जो बहुत मजबूत सपोर्ट है, हालांकि दूर है, लेकिन चूंकि कल ही एक बड़ा ब्रेकआउट आया इसलिए सपोर्ट रेंज मान के आपके लिए दूर निकल कर आ रही है। और ऊपरी स्तरों पर 35,800-36,000 ये हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है, और इसके पार होने के बाद बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है कि रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, जितना ज्यादा गैप से नीचे खुले उतना अपने इंपॉर्टेंट लेवल से खरीदारी करने की राय होगी, और कम गैप से खुले तो थोड़ा फिसल सकते हैं और उसके बाद वापस इससे संभलेंगे। अच्छी बात भी है कि कल भारतीय बाजारों में थोड़ा करेक्शन आ चुका है, थोड़ा शायद अंदाजा था। दूसरी अच्छी बात है कि एफआईएस की तरफ से बिकवाली का दबाव कम हुआ है, कल वायदा कारोबार में तो आंकड़े अच्छे आते दिखे, और नेगेटिव साइड पर देखेंगे तो ग्लोबली वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है जो भारतीय बाजारों को भी थोड़ा ऊपर नीचे कर सकती है। तो एक दोनों तरफ की ट्रेडिंग वाला सेशन शायद आज देखने को मिलेगा। बिल्कुल अनिल सर शुक्रिया ये पहली स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो क्लियरली दो तरफा ट्रेडिंग सेशन आज देखने को मिल सकता है, गिरावट पर खरीदारी के मौके जरूर आपको ढूंढने हैं। और ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें 34,000 इनफैक्ट निफ्टी से शुरुआत करेंगे, 15,675-15,750 इसे निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। वहीं निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज अगर देखें 15,850-15,925 की होगी। बैंक निफ्टी 34,900-35,200 ये मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे, और 35,800-36,000 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए आप ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। पॉजिटिव्स भी काफी सारे हैं बाजार में, भले ही विदेशी बाजार से थोड़े सुस्ती के संकेत आ रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार ने कल एक करेक्शन दिखा लिया था, और साथ ही एफआईएस की तरफ से जो सपोर्ट है वो अब धीरे धीरे बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। आज भी देखिए वायदा बाजार में एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े हैं जो कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव साबित हो सकता है भारतीय बाजार के लिए, और इसी के चलते आज गिरावट में खरीदारी के मौके भी ढूंढे जाएं। ट्रेडिंग सेटअप आगे किन लेवल्स पर जाता है देखना जरूरी होगा, और हर स्ट्रेटजी पर आप गौर कीजिएगा। चलिए खबरों वाले शेयर्स भी ढेर सारे हैं, ये जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों के चलते कहां पर एक्शन दिखेगा? गुड मॉर्निंग मानसी, देखिए सबसे पहले ट्रिगर्स पर नजर डालते हैं, और आज कैबिनेट की बैठक है 11 बजे, वहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। मोदी जी की कैबिनेट का विस्तार होने वाला है तो शाम को 6 बजे इसका फैसला आएगा, यहाँ पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा रेडिंगटन की बोर्ड बैठक है जहाँ पे बोनस शेयर पे विचार किया जाने वाला है, और काफी सारी कंपनीज की एक्स डिविडेंड डेट है जिसमें कल्पतरु पावर, मयूर, यूनिकोटर जैसे काउंटर शामिल है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। प्राइमरी मार्केट का एक्शन रहेगा यहाँ पे, आज जीआर इंफ्रा का आईपीओ खुलने वाला है, प्राइस बैंड 828 से 837 का रखा गया है, एंका इन्वेस्टर से 283 करोड़ इस कंपनी ने जुटाए हैं। क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी इस कंपनी का भी आईपीओ आज खुलने वाला है, 880 से 900 रुपए का प्राइस बैंड है, 464 करोड़ इस कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर से जुटा लिए हैं।
एनएमडीसी आज जो ओएफएस है वो रिटेल के लिए खुलेगा, नॉन रिटेल को काफी बेहतर रिस्पांस मिला है, 2.13 टाइम्स ये बड़ा है, 165 का फ्लोर प्राइस है। माफ कीजिएगा, क्वार्टरली अपडेट काफी सारे कंपनीज के आए हैं, इसमें लो बेस के चलते टाइटन की कुल आय जो है उसमें 117% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, और अच्छी बात यह कि कंपनी का कहना है कि 90% जो स्टोर्स है वो अब ऑपरेशनल है। वॉचेस और आईवेयर में भी साल दर साल काफी बेहतरीन बढ़ोतरी देखने मिली है। आरबीएल बैंक डिपॉजिट्स में क्वार्टर क्वार्टर 2% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, एडवांसेस में क्वार्टर क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो 2% के आसपास की गिरावट हुई है, हालांकि साल दर साल दोनों जगह ग्रोथ देखने मिली है। कासा रेशियो 30.1% से बढ़कर 33.7% पे आया है। शोभा लिमिटेड यहाँ पे जो कुल बिक्री है 488 करोड़ से बढ़कर 683 करोड़ आई, यानी कि साल दर साल करीब 40% के आसपास की बढ़ोतरी हुई। नई बिक्री इसमें करीब 37% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। जो प्राइस रियलाइजेशन है उसमें करीब 2% के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई है। और NCL इंडस्ट्रीज इस कंपनी ने भी अपने मंथली अपडेट दिया है, जून में जो सीमेंट उत्पादन है उसमें करीब 52% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली, और डिस्पैचेस में करीब करीब 44% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली, और हर प्रोडक्ट कैटेगरी में कंपनी को ग्रोथ देखी गई है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। तो ये सारी खबरें हैं जिस पर आज नजर रखनी होगी, लेकिन साथ ही दो ट्रेडिंग कॉल्स हैं मेरे पास, एक चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से, एक सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से। चॉइस ब्रोकिंग की राय, कोटक महिंद्रा बैंक पर खरीदारी की है, 1820 के टारगेट्स को मानकर चले, 1720 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। वहीं सेंट्रम ब्रोकिंग HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, 1140 के लक्ष्य को मानकर चले। अगर खरीदारी करके चलते हैं 1080 का स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर आपको लगाना है, खरीदारी कीजिएगा। ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई 1140 के टारगेट्स के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें। बढ़ते व्यापार को चलाना एक सफर की तरह है, रास्ते में होंगे कई सवाल, चुनौतियां और कुछ दिलचस्प मोड़, लेकिन आप जहां भी उस सफर में होंगे, डेल टेक्नोलॉजीज एडवाइजर आपकी सहायता के लिए हैं हर दम तैयार, सही टेक सॉल्यूशंस के साथ, ताकि आपको और आपके ग्राहकों को कहीं रुकना ना पड़े। न्यूट्रेला सोया चंक्स में है 52% प्रोटीन, जो 15 कटोरी दाल 16 अंडों में 17 ग्लास दूध के बराबर है। न्यूट्रेला सोया चंक्स माने हेल्दी प्रोटीन का धाकड़ विकल्प। नई टाटा इंट्रा, लाइफ कैसी चल रही है? कंट्रोल में है, कभी लेफ्ट घुमाता हूँ तो कभी राइट। तू अभी भी ट्रांसपोर्ट के धंधे में लगा हुआ है? कोई ऑफिस कैबिन है ना, कैबिन ये एसी वाला। और कमाई यू समझ ले, पहले मैं पगार लेता था, अब तेरा भाई पगार देता है। हेलो, यस सर, आई बी देयर। ओके, बॉस का फोन था, भागना पड़ेगा। आकाश तू एकदम नहीं बदला, लेकिन तेरी जिंदगी बदल गई यार। टाटा इंट्रा, बदले सोच बदले जिंदगी। पास तो कई लाइव्स हैं, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत, लेकिन आपके पास तो एक ही लाइफ है। अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए LIC के साथ। LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ना मौसम की चिंता सताए, ना धूल का डर, अब घर चमके हर मौसम। शीन मैक्स बाय SD पेंट्स, वैल्यूज बियॉन्ड कलर्स। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, a manufacturer of functionally critical specialty chemicals that cater to a diverse base of customers across industries, now makes an initial public offer of equity shares of 1 rupees each for cash at a premium. The book build issue being offered in a price band of 880 to 900 rupees per equity share. Opens on July 7th, closes on July 9th, 2021. For risk factors and more details, refer to the Red Herring Prospectus. चुनौतियों से लड़ा, विकास के पथ पर बढ़ा, मंजिलें मिलती जाती हैं, बिना रुके अब हर पल आगे बढ़ता है, मदद के लिए अब हाथ बेहिचक बढ़ाता है, अपने हौसले से अपनी जरूरतें पूरी करता है। उत्तर प्रदेश ने विकास के लिए
अपने प्रयासों को रुकने नहीं दिया, जारी रखा, तेज गति से आगे बढ़ाए। विकास की बुनियाद में है आत्मनिर्भरता। जन जन के हित से अब हर फैसला जुड़ा होता है। नई सोच है, नया नजरिया है। हर दिन यहाँ कुछ नया होता है। हम सबको लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर निरंतर आगे बढ़ना है और उस लक्ष्य के प्रति निरंतर किए गए प्रयास का परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तस्वीर बदल रही है और तकदीरें भी। यहाँ बदलाव अब सबको महसूस होता है। हर किसी का हुनर अब चमकता है। अपनी शक्ति का एहसास अब सबको होता है। एकजुट है अब सभी, क्योंकि समर अभी शेष है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। अमित जी, आपकी आलू भुजिया का नाम टनाटन क्यों है? अच्छा पूछो, मैं कैसा हूँ? नो आस्क आस्क। आप कैसे हो? मैं आलू भुजिया हूँ, ठीक नहीं लगता ना? फिर से पूछो। आप कैसे हो अमित जी? टनाटन, आलू भुजिया टनाटन, तो नाम भी टनाटन। अमित जी लव्स बिकाजी, लव्स बिकाजी। ना मौसम की चिंता सताए, ना धूल का डर। अब घर चमके हर मौसम। Sheen Max by SD Paints. Values beyond colors. Bombuja Gold Refined Soybean Oil. Now healthy lifestyle begins in the kitchen. Nutritious cooking oil brand that includes immunity boosting property. Supports bone health. Bombuja Gold. ओरल हाइजीन में देश का नंबर वन टूथपेस्ट ब्रांड पतंजलि दंत कांति अपनाकर अपने दांतों व मसौढ़ों की इम्यूनिटी बढ़ाएं तथा दांतों को दें लंबी उम्र का वरदान। When every moment of every day presents a new adventure, that's when life becomes grand. Hello, Blue Lake. I want to see the sky. Presenting Hyundai Alcazar. Live the grand life. Heart, cholesterol, motapa व diabetes के रोगियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है पतंजलि physically refined rice bran oil व कच्ची घानी शुद्ध सरसों तेल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आप हमारे साथ हमारी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जुड़ गई हैं। सिमी जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज के लिए इंडेक्स पर आपका आउटलुक और साथ ही आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी एक साथ बताएं। सिमी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, मैं सुन पा रही हूँ। इंडेक्स मुझे लगता है कि मानसी जो मैंने कल एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट में ऊपरी लेवल से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलना चाहिए, कल वैसे ही प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला था और लोअर लेवल पे आके जाके निफ्टी बंद किया था। आज मैं वापस मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत लोअर लेवल पर अगर आता है, अगर ओपनिंग के आसपास निफ्टी नीचे आ जाता है 15800 के आसपास, तो वहाँ पे खरीद कर चलने का सलाह होगा। 15800 का लेवल बहुत ही क्रिटिकल है, अगर होल्ड करता है तो ही खरीदने का सलाह है। 15770 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे अगर 800 होल्ड करता है तो खरीदने के बाद, और ऊपर में 15850 से 15900 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे निफ्टी के लिए। वहां से अगर बैंक निफ्टी के, तो मुझे लगता है कि 35500 से 35350 के बीच में सपोर्ट अगर होल्ड करता है तो उसी रेंज के आसपास खरीदने का सलाह होगा, और 35200 का फिक्स स्टॉप लॉस मेंटेन करके खरीदने का सलाह है। 35700 से 35900 का टारगेट है, यही रेजिस्टेंस एरिया है, ये पार करना मुश्किल होगा। मानती बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक आज कौन सा रिकमेंडेशन आप दे रही हैं? मंत्री रैमको सीमेंट में मुझे लगता है कि आज भी खरीदारी देखने को मिलना चाहिए, करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। अगर 5-10 रुपए नीचे भी आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1065 के नीचे स्टॉक लगा के खरीदने का सलाह होगा। 1115 और 1125 ये दो टारगेट होगा रैमको सीमेंट के लिए। और दूसरा स्टॉक मेरा आज मेरा रियल्टी में मैं खरीदने का सलाह दे रही हूँ। 286 के नीचे स्टॉक लॉस लगा के खरीदने का सलाह है। 310 का पहला टारगेट और 325 का दूसरा टारगेट के लिए आज मेरा को खरीद कर चलने का सलाह है।
बिल्कुल समीर जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, आपने रेकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आज के लिए कमोडिटी मार्केट्स पर आपका नजरिया क्या होना चाहिए जानने के लिए हमने आनंद राठी के एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी से बातचीत की, उनकी रेकमेंडेशन आपके सामने रखने जा रही हूं। गोल्ड में खरीदारी की राय उनकी तरफ से, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 47,700 पर अगर मिल जाए 47,900 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कीजिए, 47,600 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। कच्चे तेल की चाल को देखते हुए घरेलू बाजार में जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली की राय है, क्रूड पर 5,410 के टारगेट्स को मानकर चले 5,540 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। और बेस मेटल्स कॉपर पर यहां सेल कॉल इनिशिएट करने की राय, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 721 के लेवल्स पर सेल कॉल इनिशिएट कीजिएगा, 716 का टारगेट, 724 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो क्लियरली गोल्ड में खरीदारी लेकिन क्रूड और कॉपर में बिकवाली की राय जिगर की तरफ से। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं FIR का यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का। पूजा त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ गई हैं। पूजा गुड मॉर्निंग, बताएं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है हमारे पास। गुड मॉर्निंग मालती, ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं कल टाइटन पर, कुछ ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट आई है वो मिली जुली दिखाई दे रही है। अल्ट्राफॉर्म की रेटिंग दी है मैक्वायरी ने और 1750 का टारगेट दिया है। इक्वल वेट की रेटिंग आ रही है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से और 1358 का टारगेट दिया है। गोल्डन सैक्स ने बिकवाली की राय दी है, टारगेट घटा दिया है 917 से घटाकर 895 का दिया है। और क्रेडिट सिक्स की जो रिपोर्ट आई है नीचे की रेटिंग बरकरार है, टारगेट दिया है 1700 का। इसके अलावा टाटा मोटर्स पर भी ढेर सारी रिपोर्ट आई है, मैक्वायरी ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 275 का टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग दी है और लक्ष्य होगा 300 का। जेसीज ने बाइक खरीदारी करने की राय दी है लेकिन यहाँ पर जो लक्ष्य है वो घटा दिया है, 455 से घटाकर 435 का दिया है। और नमूरा की न्यूट्रल की रेटिंग है, 350 का होगा टारगेट। इसके अलावा बजाज फाइनेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है अच्छी रिपोर्ट है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवर वेट की रेटिंग दी है, टारगेट है 6000 का। बर्नस्टेन ने आउटपरफॉर्म की रेटिंग दी है 7,240 के टारगेट के लिए। और इसके अलावा नोमुरा ने बजाज फिनसर्व की जो पर रिपोर्ट आई है लक्ष्य दिया है 12,200 का। और इसके अलावा सोभा से पर रिपोर्ट आई है जेफरीज की, इनका लक्ष्य है 592 का। ऑलराइट पूजा, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट से हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं और दिन भर में उसमें एक्शन भी होगा। 1 बजे के बुलेटिन में ब्रोकरेज रिपोर्ट एक्शन फिर से आपके लिए लेकर हम हाजिर होंगे। फिलहाल वहां ब्रेकफास्ट को यही समेट रहे हैं लेकिन